एक्सरसाइज 7.3 इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, बी में इसका फैक्टराइज करके जो भी आंसर मिलेगा उसी आंसर को दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम ए को सोल्व करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा बी में उसके साथ मैच करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। इसको हम पहले जो भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करके हमने सोल्व किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर इसी फॉर्म में रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में अगर हमें मिलेगा तो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमें किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते थे। लेकिन इसमें थोड़ा अलग होगा, इसको इसी फॉर्म में हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका जो फॉर्म होगा उसका फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में ये रहेगा। अगर मान लो ये 12 इधर रहा, मान लो ऐसे रहा एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x ऐसे रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार अरेंज करेंगे इसी फॉर्म में। सोल्व करने का तरीका बहुत ही ईजी होगा, उसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करेंगे। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मतलब वन है, मतलब ये जो वन है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। वन के साथ ये जो 12 मतलब इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ये जो सी है सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं। तो वन के साथ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 ही होगा। इस 12 को हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे। 12 को हम कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 मिलेगा एंड 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 मिलेगा। लेकिन इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, 4 इंटू 3 को जब, ये जो दोनों वैल्यू है 4 एंड 3, इसको जब ऐड करेंगे 7 मिलेगा एंड 6 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। लेकिन इसका मिडिल टर्म कितना है, 7 है। तो ये जो 6 इंटू 3 स्प्लिटिंग फॉर्म है उसको हम नहीं ले पाएंगे, ये जो 4 इंटू 3 है उसको ले पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस इधर तक हम लिखेंगे, उसके बाद इसमें से जो भी ग्रेटर टर्म है उसको लिखेंगे। इसमें 4 ग्रेटर है तो 4 लिखेंगे, 4 इंटू एक्स करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो साइन है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस आएगा। नेक्स्ट हम इसमें स्मॉलेस्ट जो टर्म है उसको लिखेंगे 3x एंड फाइनली ये जो प्लस 12 इसको लिख देंगे। इसमें क्या हुआ, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 मिलेगा और ये x इंटू x जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब 12x स्क्वायर। इसमें ये जो एक्स स्क्वायर, ये जो पहला टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी सेम वैल्यू आना चाहिए, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर ही आएगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों पार्ट है, पहले जो दो टर्म है और पीछे का जो दो टर्म है, इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। जब इसको कॉमन लेंगे एक्स होगा, एक्स प्लस 4 होगा। नेक्स्ट इसमें प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x रहेगा एंड प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू ये 12 बनेगा। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलेगा, ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को एक बार हम लिख सकते हैं x प्लस 4 और ये दोनों रह जाएगा x प्लस 3। अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक बार कॉमन लेंगे x प्लस 4 एंड पहले रहेगा x एंड बाद में रहेगा 3। इसी तरह भी हम इसको सॉल्यूशन कर सकते। तो ये जो आंसर हमने निकाला, मतलब फैक्टर्स हमने निकाला इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स है, और यहाँ ये जो आंसर है, आंसर कौन सी बी कॉलम में कहाँ है वही उसका आंसर होगा। एफ में इसका आंसर है x+3 एंड x+4, तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। क्वेश्चन टू का सॉल्यूशन, क्वेश्चन टू में दिया है x²-x-72। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x² का कोएफिशिएंट इसमें कुछ नहीं है, 1 है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा। 72 को हम स्प्लिट करेंगे 9 इंटू 8 जा कितना होगा, 72 बनेगा। तो ये जो 9 ग्रेटर है, ग्रेटर से स्मॉलर टर्म को हम पहले सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ये जो मिडिल टर्म है ये निकल के आ गया है, तो ये होने का चांसेस है। अगर हम ऐड करेंगे 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 होगा। तो अगर ऐड करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x² माइनस इधर तक लिखेंगे, उसके बाद इसमें जो ग्रेटर टर्म है उसको लिखेंगे 9x, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एंड माइनस बिकेम प्लस होगा। तो नेक्स्ट ये जो स्मॉलेस्ट टर्म है उसको लिखेंगे 8x, उसके बाद लिखेंगे माइनस 72।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म है इसमें कॉमन लेंगे और नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो x आएगा, x माइनस 9 होगा। नेक्स्ट इसमें प्लस 8 कॉमन जब लेंगे तो कितना होगा, x माइनस 9 होगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो x माइनस 9 ये दोनों सेम है, एक को हम कॉमन लेंगे x माइनस 9, तो वैल्यू पहले में क्या रहेगा x, बाद में क्या रहेगा 8, तो यही इसका आंसर है। अगर हम आंसर मैच करना चाहे तो ये जो 2 का आंसर है उसको हमें h में मिलेगा, h का जो आंसर है वो 2 की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से सिमिलर होगा, मतलब ये आंसर होगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, इसमें दिया है 2x² प्लस 5x प्लस सॉरी माइनस 12। तो ये जो 2 है, 2x² का कोफिशियन है, इस 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 12 इक्वल टू कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। सो 24 को हम स्प्लिट करेंगे, 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, 24 होगा। नेक्स्ट हम और लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 इक्वल टू भी 24 हो सकता है, एंड 3 इंटू 8 इक्वल टू भी 24 हो सकता है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 मिलेगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसको ऐड करेंगे, 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा। नेक्स्ट 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 11, एंड 8 माइनस 3 करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, ग्रेटर टर्म से स्मॉलर टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 5 मिलेगा। तो ये जो मिडिल टर्म 5x है, तो ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म में ही मिलेगा, बाकी फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, इसके इसमें लिखेंगे 2x² प्लस ग्रेटर टर्म को लिखेंगे 8x प्लस एंड माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 3x होगा, इसमें 3 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस 12 को इधर ऐड कर देंगे, ये जो माइनस 12 है इसको इधर लिखेंगे, मतलब। तो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा, ये जो पहला दो टर्म है 2nx कॉमन मिलेगा, तो इसमें रहेगा x प्लस 4 होगा। नेक्स्ट इसमें कॉमन हमें 3 मिलेगा, 3x होगा, ब्रैकेट जब आएगा ये माइनस साइन इधर प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉमन लेना है, x प्लस 4, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, 2x माइनस 3 रहेगा, यही दोनों फैक्टर होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो उसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, तो उसका आंसर मिलेगा ए में, तो ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में दिया है 2x² माइनस 5x माइनस 12। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो x² के साथ जो भी कोफिशियंट है उसके साथ हमें ये को जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 मिलेगा। अभी 24 को हम स्प्लिट करेंगे, 24 को स्प्लिट हम कैसे कर सकते हैं, 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, 24 होगा। नेक्स्ट अगर हम चाहें तो 2 इंटू 12 इक्वल टू भी 24 मिलेगा। नेक्स्ट 3 इंटू 8 इक्वल टू हमें मिलेगा 24। इधर हम ऐड करके देखेंगे, 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, एंड सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इधर फिर से हम ऐड और सब्सट्रैक्शन करेंगे, 2 प्लस 12 इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा, एंड 12 माइनस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 10। अभी हमें क्या करना है, ग्रेटर टर्म से स्मॉलर टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट हम करेंगे 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 प्लस 3 करेंगे तो 11, और इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 3 जब करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 5। तो ये होने का चांसेस है, बाकी जो भी हमें स्प्लिट करके वैल्यू मिला, मतलब 6 इंटू 4, 6 2 इंटू 12, ये सभी में नहीं मिलेगा। तो वैल्यू कहाँ मिलेगा, वैल्यू हमें मिलेगा 8 इंटू 3 में। तो अभी हम इसको ले सकते हैं, इसका वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 8x करेंगे, माइनस एंड माइनस बिकेम प्लस हो जाएगा, 3x होगा, एंड माइनस 12 लिखेंगे। तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, 2 इंटू एक्स करेंगे तो x माइनस 4 होगा, इधर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा। अगर बाहर प्लस साइन है तो अंदर का साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों सेम हो गया, x माइनस 4 हो गया। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, पहले में रहेगा 2x और बाद में रहेगा 3। तो ये दोनों फैक्टर होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। 4 का आंसर हमें मिलेगा z में, तो यही इसका आंसर है। 2x² माइनस 23x माइनस
12 दिया है। पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर जो कोएफिशिएंट है तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 12 इक्वल टू कितना होगा 24, तो उसका हमें स्प्लिट करना है, तो 6 into 4 इक्वल टू 24 होगा, 2 into 12 इक्वल टू 24 होगा, 3 into 8 इक्वल टू 24 होगा एंड फाइनली 24 into 1 इक्वल टू 24 होगा। तो इनमें से ये जो 20 का टर्म है, मतलब मिडिल टर्म है, ये निकल के नहीं आएगा। अगर हम इसमें देखें तो 24 माइनस 1 करेंगे तो 23 होगा, होने का चांसेस है, और अगर इसको ऐड करेंगे 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 होगा, बाकी में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 24 into 1 है इस पार्ट को लेंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24x, तो माइनस एंड माइनस बिकेम प्लस हो जाएगा, तो इसमें रहेगा 1 मतलब 1x इक्वल टू हम x लिख सकते हैं, तो इधर हम लिखेंगे x माइनस 12 लिखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन आएगा 2, तो इधर रहेगा वैल्यू क्या रहेगा 2 और x आएगा इसमें कॉमन, तो इधर रहेगा x माइनस 12 रहेगा, तो इधर प्लस 1 कॉमन आएगा, इसमें भी कोई फैक्टर और इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, तो x माइनस 12 आएगा। इधर प्लस इन है तो अंडर का साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये दोनों कॉमन है तो एक हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस 12, तो बाहर क्या रहेगा 2x प्लस 1 रहेगा, तो यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें, इसका आंसर हमें मिलेगा सी में, तो इसका आंसर होगा 2x प्लस 1 एंड x माइनस 12, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में दिया है 3x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 12, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में जो कोएफिशिएंट है उसके साथ हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36 होगा, 36 को हम स्प्लिट करेंगे, तो 36 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 9 इंटू 4 मिलेगा एंड 36 इंटू 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, और एक मिल सकता है 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 मिल सकता है, तो इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे, इसको ऐड और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 35 निकल के नहीं आएगा। अगर हम इसमें देखेंगे, मतलब 36 माइनस 1 करेंगे तो 35 आ सकता है एंड 36 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 37 आ सकता है, तो इसमें थोड़ा हमें मिलने का चांसेस है, मिडिल टर्म मिलने का चांसेस है। तो हम इधर ऐसे सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 36x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एंड माइनस बिकेम माइनस, सो 1x, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स ही लिख सकते हैं हम, x लिखेंगे इधर माइनस 12 लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, इनमें से 3 आएगा कॉमन और इसमें से x आएगा, तो इधर रहेगा x प्लस, तो इधर रहेगा 12, 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 बनेगा और x इधर रहेगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 36x होगा। तो इसमें हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, जब माइनस 1 कॉमन लेंगे इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू नहीं है मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो माइनस 1 कॉमन आएगा, तो जब माइनस 1 आएगा ये x होगा, ये 12 होगा, ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर में प्लस हो जाएगा, तो ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 12 और बाहर में हम लिख सकते हैं इन दोनों वैल्यू को 3x माइनस 1, यही इसका आंसर है। तो ये आंसर हमें कहाँ मिलेगा, ये आंसर हमें मिलेगा डी में, तो डी में आंसर मिलेगा 3x माइनस 1 एक्स प्लस 12, यही इसका आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 दिया हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना है, एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसके साथ हमें कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 84 होगा, 84 को जब हम स्प्लिट करेंगे 12 इंटू 7 मिलेगा, ये जो वैल्यू है इन वैल्यू को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 12 से जब हम 7 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 5 निकल के आएगा, मतलब इसका मिडिल टर्म इधर हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसको जब ऐड करेंगे 12 प्लस 7 करेंगे तो 19 होगा, तो ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इनको सब्सट्रैक्ट करने से ही आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस इसका ग्रेटर टर्म कितना है 12 है, 12x इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस एंड माइनस बिकेम प्लस होगा, तो नेक्स्ट जो टर्म होगा 7 होगा, 7x अभी हमें लिखना है, माइनस 12 को ऐसे लिखना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 7 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा, तो इधर वैल्यू रहेगा 7x माइनस 12 आएगा, तो इधर अगर हम इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 12, ये जो टर्म है ये दोनों टर्म सेम है, तो जब ये दोनों टर्म सेम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं,
7x माइनस 12 तो इसमें रहेगा पहले टर्म में रहेगा x और दूसरे टर्म में रहेगा 1 यही इसका आंसर है अगर हम इसका आंसर लिखना चाहे तो इसका आंसर किस में है b में है तो b में इसका आंसर है तो आंसर होगा 7x माइनस 12 एंड x प्लस 1 यही इसका आंसर है क्वेश्चन 8 में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 पहले हमें x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हमें ये जो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है 36 होगा 36 को स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा 4 into 9 इक्वल टू 36 आएगा एंड 3 into 12 इक्वल टू 36 आएगा अगर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 36 into 1 इक्वल टू भी 36 आएगा तो इसमें से ये जो मिडिल टर्म निकल के नहीं आएगा ये जो वैल्यू है इसमें निकल के आएगा मतलब 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 13 होगा तो हम क्या करेंगे 9 into 4 को यूज करेंगे तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा 3x स्क्वायर पहले ग्रेटर टर्म लिखेंगे माइनस 9x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एंड प्लस बिकेम माइनस होगा 4x होगा प्लस 12 होगा तो नेक्स्ट क्या करेंगे इन दोनों में 3x कॉमन आएगा इधर रहेगा x माइनस 3 होगा इधर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो कितना वैल्यू रहेगा x माइनस 3 रहेगा क्योंकि 3 into 4 equal to 12 होगा बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस होगा ब्रैकेट जब ओपन होगा ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कॉमन है तो कॉमन होने से क्या होगा हमें इन दोनों में एक को कॉमन लेना है तो x माइनस 3 होगा तो और वैल्यू क्या रहेगा 3x माइनस 4 रहेगा ई में इसका आंसर है तो इसका आंसर होगा x माइनस 3 एंड 3x माइनस